आज उनको दिखा रहा हूँ जो कारखाना चलाते हैं कारीगरों, इनके आपके जो मैंने दिखाया अभी जो कारखाना, वो कारखाना आपका है। अच्छा आप ये बताइए, जितने लोग आपके यहाँ पर काम करते हैं, क्या काम डेली रहता है आपके पास? नहीं, डेली नहीं रहता है, 2 महीना 3 महीना हिसाब से कराता है काम, बाकी टाइम में बैठ बैठ के चला जाता है। बैठ के चलाना पड़ता है? बैठ के चलाना पड़ता है। काम की स्थिति कैसी है आपकी, मतलब और क्या आपको लगता है इनका जो जो आपके साथ जो कारीगर है, जो आप कारखाना में काम कर रहे हैं सोना चांदी का, हर समय क्या सोने का काम ही करना पड़ता है कि आपको जैसे मैंने तो मैंने एकदम नहीं है, रूपा का काम करता है, अभी गुड़ मेडल तामा ये सब काम करता है। देख सकते हैं रूपा का काम कर रहे हैं और सोने का काम तो करते होंगे ना? सोने का तो काम करता है, लेकिन सोने का काम पूरा ही बंद हो गया। देख सकते हैं रूपा का काम, तांबा का काम ये कर रहे हैं, तो कैसे चलता है इनका गुजारा और आपका गुजारा कैसे चलता है इनको? बहुत दुखा चलता है, कैसे खाएगा कैसे जिएगा यही हम सोच रहे हैं। तो लेकिन शोरूम वाले तो 500-600 रुपया ग्राम का लेते हैं, आप शोरूम वाले को माल देते हैं कि किसको माल देते हैं? शोरूम वाला से ही काम लेके आता है, शोरूम वाला को ही देता है। तो कितना रुपया ग्राम का देते हैं आपको? 100 रुपया 120 रुपया ऐसा ही देता है। तो शोरूम वाले तो 500-600 लेते हैं, लेकिन हम लोग बोलने से देता ही नहीं है, बोलता काम बंद कर देगा, लेकिन कैसे चलेगा मेरा? तो मैं अच्छा एक बात बताइए कि जो मेन स्वर्णकार होता है वो किससे कहा जाता है? जो स्वर्णकार होते हैं, बताइए मेरे को कि जो स्वर्णकार होते हैं, जो सोने का काम करते हैं, वो लोग तो बोलते हैं कि जो सरकार ये बोल रही है कि जो बड़े बड़े कारपोरेट बड़े बड़े शोरूम लेके बैठे हैं वो स्वर्णकार है सुनार है, लेकिन मेन स्वर्णकार कौन हुए? हम लोग सोना का काम करते हैं, हम लोग के स्वर्णकार है, और दूसरा कोई होगा क्या? दूसरा नहीं है, मैंने जो सोने का काम कर रहा है वही स्वर्णकार है, वही स्वर्णकार है, दूसरा नहीं है। जो शोरूम लेके बैठा हुआ है वो नहीं माना जाता है क्या? कैसे होगा, हम लोग का तो काम करता है, काम तो खुद हम लोग करता है, तो बिक्री करता है, हम माल देके आता है, उन लोग बिक्री करता है।